और लोगों की सेवा के लिए उतरूंगा लोकसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए। तो मेरा इरादा है कि संसद में बैठ के अपने देश के लिए, भविष्य के लिए और हरियाणा के लिए नीतियां वो बनाएं जो सेहत, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, है ना, नौकरियां, फ्यूचर जो बच्चों का है उनके ऊपर काम हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूं अनिल खत्री, इस समय गोहाना में मौजूद हैं और हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर, हमारे साथ राजेंद्र टोंक हैं। ये इससे पहले सामाजिक कार्यों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं और बहुत सारे कैंप इन्होंने अलग अलग क्षेत्र में लगाने का काम किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई, आपके देखने वालों को सबको नमस्ते, राम राम। डॉक्टर साहब, अब तक जो सामाजिक कार्य आप कर रहे थे, समाज सेवा में कैंप लगा रहे थे, लेकिन जब से आपने कांग्रेस ज्वाइन की है तो चर्चाएं चल रही हैं कि डॉक्टर साहब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। नेचुरली अगर मौका पार्टी मुझे देती है लोगों की और सेवा करने का तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा और लोगों की सेवा के लिए उतरूंगा लोकसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, कोई खास वजह है कांग्रेस को, जैसे अभी आपने कुछ टाइम पहले ही ज्वाइन किया है? देखो, कांग्रेस एक सबसे पुरानी पार्टी है और देश के हर एक गांव में, कस्बे में, हर एक कोने में कांग्रेस पार्टी है और एक मूल्यों वाली पार्टी है जो उस पर खड़ी। अब देखिए, आप एक पार्टी कहती है पार्टी विद अ डिफरेंस। आज की जो रूलिंग पार्टी है, बहुत साल पहले उन्होंने कहा था पार्टी विद अ डिफरेंस, आज उनको देखिए आप, वो क्या कर रहे हैं? वो सब कुछ कर रहे हैं जो राजनीति में होना नहीं चाहिए। पैसा तोड़ना, फोड़ना, हर एक पार्टी में डिफेक्शन करवाना, डराना, तो ये राजनीति का हिस्सा थोड़ी है। डॉक्टर साहब, जो सामाजिक कार्य अब तक आप करते रहे, चुनाव लड़ने का मन कैसे हुआ एकदम से? देखो, समाज के अंदर आप जब काम कर रहे हैं तो समाज की समस्याएं समझ गए आप, तो उन समस्याओं का हल भी तो करना है। हल कौन करता है? वो हल लेजिस्लेशन करती है, एग्जीक्यूटिव करती है। एग्जीक्यूटिव कहाँ से बनती है? सरकार बनाई जाती है, वो डायरेक्शन देती है। सरकार का हिस्सा कैसे बनेंगे? आपको चुनाव लड़ने पड़ेंगे और चुनाव दो किस्म के हैं, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। सेंटर वाला लोकसभा का है, स्टेट का विधानसभा का है। तो मेरा इरादा है कि संसद में बैठ के अपने देश के लिए, भविष्य के लिए और हरियाणा के लिए नीतियां वो बनाएं जो सेहत, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, है ना, नौकरियां, फ्यूचर जो बच्चों का है उनके ऊपर काम हो, ताकि कल को बच्चे हमें याद करें कि वो भी कुछ हमारे बड़े कुछ हमारे लिए करके गए। प्रायोरिटी आपकी सोनीपत लोकसभा रहेगी जिस तरह से, क्योंकि आप सोनीपत से ही संबंधित हैं? सोनीपत क्योंकि मेरे जो कार्य क्षेत्र रहा है पिछले 20 साल से, सोनीपत से लेकर जींद, तो मेरा अपना मानना है और मैं तो यहाँ तक बात कह रहा हूँ कि क्यों ना गोहाना को हरियाणा की नई राजधानी बनाया जाए। वो बनेगी तो राजधानी, यहाँ पैसा लगेगा और सोनीपत, जींद, बड़ौदा और जींद, ये एरिया सफ़ेदों, इसकी काया पलट हो जाएगी। ये सबसे निगलेक्टेड एरिया है हरियाणा के, बोथ एग्रीकल्चरली एंड अदरवाइज ऑल्सो। आप इनके गांव के अंदर जाके देखिए तो इनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है।